बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। यरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी दूसरी जगह किफ़ायती की तब्दीली करवा सकते हैं सऊदी अरब में रहते हुए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल यरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो, या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो, या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका क्रूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में लेबर कवानीन में तब्दीली के बाद गैर मुल्की कारकुनों के लिए किफालत की तब्दीली के मराहिल को आसान कर दिया गया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। नए लेबर लॉ के तहत गैर मुल्की कारकुनों को बेहतर मुलाजमत के हसूल का इख्तियार दिया गया है, जिसमें मुलाजमत का मुआहदा अहम होता है। कारकुनान को अगर बेहतर रोज़गार मिलता है तो उसे इख्तियार है कि वो अपने साबिक स्पॉन्सर को इसके बारे में तहरीरी तौर पर मुतला करे और नए अजर के पास किफालत तब्दील कर सके। याद रहे कि पाकिस्तान समेत वो ममालिक जहाँ से मुसाफरों के बराह रास्त ममलकत आने पर पाबंदी है, वो किसी ऐसे मुल्क जो पाबंदी वाले मुल्क में जमरे में शामिल नहीं है में 14 दिन क्याम करने के बाद ममलकत आ सकते हैं। ख्याल है कि वो तारकिन जिन्होंने ममलकत से रवानगी से कबल कोरोना वायरस की दोनों खुराकें ली हैं, इनके तवक्कलना ऐप पर स्टेटस अमेजोन जो है वो उसके लिए बराह रास्त ममलकत आने पर ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक जरूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।